तो इस वीडियो में बहुत बहुत सारी जो की है लेटेस्ट WWE की अपडेट्स और बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन। चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले जो कि रिटर्न है वो रेमिस्ट्री की जो कि है, वो रिटर्न के बारे में जो कि अपडेट है एक्चुअली, जो उसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि रेमिस्ट्री में पता है एक छोटा नाम नहीं है, इंडिपेंडेंट सर्किट पर रेमिस्ट्री एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने बहुत कम ही समय में बहुत ज्यादा नाम बना लिया है। यानी कि पिछले 5-6 साल में जो कि रेमिस्ट्री ने इंडिपेंडेंट सर्किट में इतना नाम बनाया है AA मेक्सिको में, हालांकि जापान में वो इतना नहीं है बट अमेरिका में और मेक्सिको में इतना नाम बना लिया उन्होंने कि उनको एक अच्छी जॉब जो कि वो आसानी से मिल जाएगी। अब जैसे ही WWE ने थोड़ी सी एरोगेंस दिखाई उनके साथ तो WWE ने जैसे भी उनका पैर जो कि पीछे किया तो वैसे ही रेमिस्ट्री को जो कि एक ऑफर दे दिया अनदर कंपनी ने और रेमिस्ट्री ने कर लिया एक्सेप्ट। यानी कि सिंपल भाषा में मैं कहूं तो रेमिस्ट्री अभी एक साइन में है WWE के अलग जो कि कंपनी है उसके साथ प्रोफेशनल रेसलिंग में, और वो कंपनी ने दिया है बहुत अच्छा पैसा रेमिस्ट्री को, जिस वजह से कि मुझे लगता है कि शायद उन्होंने थोड़ा सा जो कि है लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो जल्द हमें WWE में देखने को ना मिलेंगे। शायद वो 1 या 1.5 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट कम से कम होगा अभी, बट बुरी खबर ये है वो 3 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इससे ऊपर रेमिस्ट्रियो को कोई भी साइन नहीं करेगा बिकॉज रेमिस्ट्रियो इससे ज्यादा लड़ भी नहीं सकते, तो इस वजह से अभी हमारे लिए काफी बुरी खबर है, रेमिस्ट्रियो हमें 1.5 साल WWE में देखने को ना मिले। बट हो भी सकता है शायद वो जो कि कॉन्ट्रैक्ट है वो छोटा हो जो उन्होंने साइन किया है, वो 3 महीने का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, शायद वो WWE को तंग करने के लिए भी हो सकता है, जो भी है देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो नेक्स्ट चीज के बारे में अगर हम बात करें तो वो है गोल्डबर्ग की रिटर्न के बारे में, तो जो कि गोल्डबर्ग है वो जैसे भी WWE में है रेसलमेनिया 34 पर वापसी करने वाले हैं। हालांकि ये रूमर है बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है, बट जो कि अभी के टाइम पर बात करें जो बात चल रही है रेसलमेनिया 34 पर हमें देखने को मिलेंगे गोल्डबर्ग, और वो देखने को मिलेंगे हमें सिर्फ एक मैच में एंटर द मेमोरियल बैटल रॉयल जो कि होने वाला है। ये मैच एक्चुअली यही में हो सकता है बिकॉज किसी और में WWE के पास ऑप्शन भी नहीं है। एक चीज के बारे में अगर हम सिंपल सी बात करें तो WWE किस में डालेगी, जितने भी फ्यूड्स हैं वो फुलफिल हो चुके हैं, तो अब सिर्फ एक ही WWE के पास ऑप्शन बचता है ये वाला रेसलमेनिया 34 पर जो कि प्री शो होने वाला है एंटर द मेमोरियल बैटल रॉयल जो कि होने वाला है एंटर द जायंट का जो कि मेमोरियल बैटल रॉयल होने वाला है। वो पहले कैंसिल होने वाला था बट अब WWE कर रही है, उसी के बाद बिकॉज WWE को करना भी चाहिए कुछ दिन के बाद एंट्री द मेमोरियल बैटल रॉयल यानी कि एंट्री द जायंट जो कि है उनका एक शो भी आने वाला है, इस वजह से वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट जैसे कि गोल्डबर्ग बहुत बड़े स्टार हैं और वो आ रहे हैं वहां पर, तो शायद WWE उसे प्री शो से हटाकर जो कि है मेन इवेंट यानी कि मेन इवेंट तो नहीं बट मेन जो कि शो होने वाला है उसकी स्टीम में डाल दे, और ये गोल्डबर्ग के फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इसके बारे में अगर बात करें तो वो है आस्का से रिलेटेड। जैसे कि हमें पता है आस्का जो कि है वो WWE में काफी अच्छा कर रही है और उनकी जो कि स्ट्रीक है वो भी काफी अच्छी चल रही है। उन्होंने गोल्डबर्ग को टक्कर दी, उस स्ट्रीक जो की है वो इतनी बड़ी स्ट्रीक हो रही है, जैसे कि गोल्डबर्ग की स्ट्रीक थी वो भी एक अच्छी स्ट्रीक थी, और उसी के बाद अगर हम बात करें चाहे वो लंबी स्ट्रीक थी अंडरटेकर की बट उनकी जो की वैल्यू है दोनों की बहुत ज्यादा सेम लग रही है। इसी की चीज के बारे में बात करें तो बेकी लिंच ने थोड़ी सी हिंट दी है कि कैसे हो सकती है एंड उनकी जो की ये स्ट्रीक है, तो उन्होंने कहा कि शायद रेसलमेनिया 34 पर ये हो सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे कि शार्लेट फ्लेयर की जो की पेपर व्यू पर ना हारने की स्ट्रीक थी वो भी एक दिन खत्म हुई थी, इसी तरीके से हर एक स्ट्रीक को खत्म होना है। और अगर हम बात करें अगर वो ऐसा कह रही है जो कि अभी एक्सपर्ट्स ने टीजिंग के हिसाब से लगाया है कि ये सिर्फ डायरेक्टली इस चीज की तरह इशारा कर रही है कि रेसलमेनिया 34 पर जो कि है हमें देखने को मिल सकता है आस्का की स्ट्रीक का एंड, और जो कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, एक अच्छी बात ऐसे है कि थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएगा रेसलमेनिया 34 पर, बट जो कि आस्का है वो बहुत अच्छी स्टार है और WWE को जो कि है ऐसे स्टार्स को थोड़ी से लंबे टाइम के लिए, ज्यादा नहीं थोड़े से लंबे टाइम के लिए थोड़ा और WWE को चाहिए ताकि एक वुमेन्स डिविजन को अच्छी लाइन में लाया जा सके एटलीस्ट मेरे हिसाब से समर स्लैम तक, जब तक कि WWE की रो टैग टीम चैंपियनशिप्स WWE में इंट्रोड्यूस नहीं होती। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार आस्का को जो की है WWE की स्ट्रिक जो की उन्होंने जो की आस्का ने WWE में बनाई है उसे खत्म करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताओ। और नेक्स्ट इसके अगर हम बात करें तो वो जो की है आप सबके फेवरेट जो की है रोमन रेंस के बारे में है। तो ये चीज को बताने से पहले यार मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं रोमन रेंस को हेट करता हूं, नहीं यार बिल्कुल रोमन रेंस को मैं हेट नहीं करता। हाँ ये भी बात है रोमन रेंस जो की है वो मेरे WWE में फेवरेट नहीं है, अपनी अपनी चॉइस होती है यार, किसी को कोई अच्छा लगता है किसी को कोई अच्छा लगता है, बट मैं रोमन रेंस को बिल्कुल भी हेट नहीं करता। अगर मैं बात करूं तो रोमन रेंस वन ऑफ माय फेवरेट रेसलर हैं बट वो टॉप 5 तक लाइन में नहीं आते जो कि वो कुछ हो रहे हैं, क्योंकि मैं जो कि है किसी और टाइप के जो कि रेसलर्स हैं उन्हें पसंद करता हूं, मुझे डोमिनेंट रेसलर जो कि होते हैं वो पसंद नहीं आते। और पर्सनली मैं कभी भी जो है वो इस तरीके से किसी भी फैन होगा किसी भी अगर मान लो रेसलर का तो मैं उसे बिल्कुल भी डिमीन या फिर डिफेम नहीं करूंगा, तो आप भूल जाओ कि मैं कभी भी रोमन रेंस के बारे में इंटेंशनली बुरा बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको न्यूज़ बताता हूँ। हाँ ये फर्क है कई बार शायद मैं
गलती से नहीं, दो तीन लाइन में कुछ जो कि है बुरी खबर ही सुना देता हूँ, ये मेरी थोड़ी सी आदत है। तो अगर हम मेन चीज के बारे में यानी कि आज के टॉपिक के बारे में बात करें तो जो कि हमारे रोमन रेंस है, रोमन रेंस जो कि है उनके लिए है एक अच्छी खबर इस बार के लिए रेसलमेनिया 34 पर। रेसलमेनिया 34 पर भी नहीं यानी कि मतलब अभी के लिए जो कि 2018 है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है उनके लिए। जैसे कि हमने देखा प्रीवियसली काफी ज्यादा कुछ अच्छा हुआ, हालांकि उन्होंने रॉयल रंबल नहीं जीता बट उन्हें स्टिल रेसलमेनिया 34 मेन इवेंट करने का मौका मिल रहा है और ये चौथी बार इनका लगातार मेन इवेंट करने वाला होगा। और इस चीज का जो कि फायदा है ये है सबसे बड़ा कि इस बार रोमन रेंस के पास हेटर भी नहीं है। तो इस बार जितने भी शोज, लाइव इवेंट, डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेपर व्यूज वगैरह हुए 2018 में रोमन रेंस को एक में भी बो नहीं मिली, जो कि अभी के एक्सपर्ट्स का बताना है कि ऑलमोस्ट 3 महीने खत्म हो चुके हैं 2018 में और पहला क्वार्टर जो कि है वो रोमन रेंस के लिए बहुत ज्यादा टॉप का जा रहा है। और अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो रोमन रेंस शायद जल्द ही बेबी फेस बहुत जबरदस्त बन सकते हैं रेसलमेनिया 34 के बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर। तो आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं अरमन।